नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास रायगढ़ चौक स्थित एक 25 वर्षीय युवक की चॉपर से मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। कल शाम 6:30 बजे की घटना है। हम आपको बता दें, नौकरी से निकालने व सैलरी न देने के कारण अपने बॉस को चॉपर से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मयक मंडोद घाटकोपर में मयक ट्यूटोरियल्स का डायरेक्टर था, जबकि आरोपी गणेश पवार उसी का एक कर्मचारी था। हत्या के बाद रायगढ़ चौक परिसर में सन्नाटा सा छा गया था। ट्यूटोरियल्स क्लासेस के अंदर वर्कर और बॉस में हुई बहस और बहस इतना बढ़ गया था कि आरोपी ने बॉस की हत्या कर दी। नौकरी से निकालने व सैलरी न देने को लेकर आपस में बहस हुई थी और उसी दौरान आरोपी गणेश शेखर पवार ने मृतक मयंक मंडोद को चॉपर से कई बार हमला किया। मयंक मंडोद बुरी तरह जख्मी हो गया था और आस पास के लोगों ने मयंक मंडोद को शताब्दी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और वहीं इस घटना के बाद आरोपी को कुछ लोगों ने क्लासेस में ही पकड़कर बैठाया हुआ था और पुलिस को सूचना दिया गया और पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और हत्यारे आरोपी गणेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।